आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरे मामा जी के सरदार ने, उसके मालिक ने आज उसे नाश्ते में क्या दिया है। तो चलिए आप लोगों को भी। सबसे पहले आप सबको जय श्री राम। मेरा नाम है पूनम कुमारी, मैं झारखंड के खूंटी डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव से हूँ और अभी फिलहाल मैं हरियाणा में हूँ। तो आप सभी का स्वागत करती हैं हरियाणा के इन खूबसूरत से गांव से। तो अभी मैं वीडियो की स्टार्टिंग कर रही हूँ सुबह 7 बजे से, और मैं अभी बैठी हूँ अपने किचन गार्डन में और ले रही हूँ अपने चाय का, गर्मा गर्म चाय का आनंद। यहाँ पे देखिए मेरी भाभी जी बना रही हैं गर्मा गर्म रोटियां। अभी दोपहर के 11 बज चुके हैं और अपने छोटे मोटे काम जो भी है वो मैं कर ली हूँ, और मैं अभी तैयारी कर रही हूँ दोपहर का खाना के लिए, क्योंकि अभी मुझे दोपहर का खाना बनाना है। और यहाँ पे आग जला दी हूँ, पानी भी रखती हूँ मैं। दोस्तों मैं खाना बना ली हूँ, जो कि मैं इधर रख दी हूँ खाना बना के, और अभी मुझे बनाना है ये चौलाई का साग, लाल चौलाई देख सकते हैं हम लोग भाजी साग बोलते हैं इसे। तो मुझे अभी यही बनाना है जो कि मैं अपने बारी से किचन गार्डन से मैं तोड़ रखी थी। तो चलिए भैया भाभी के आने से पहले साग बना देते हैं, और दोपहर का यही होगा साग भात। तो चलिए सबसे पहले साग बना लेते हैं। और अभी मेरे मामा जी आए थे, वो भी खाना खाने के लिए आए थे, तो उनके सरदार ने उनके रोटी दिया था लेकिन घर पे उसे भात खाना था इसलिए आए थे। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरे मामा जी के सरदार ने, उसके मालिक ने आज उसे नाश्ते में क्या दिया है। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं। हम दिए हैं मामा जी को नाश्ते में, तो देखते हैं नाश्ते में क्या दिए हैं मामा जी को, आज हम लोग भी देख लेते हैं। तो अपने खुल जा। तो ये देखिए दोस्तों, नाश्ते में मामा जी को मिला है आज, ये देखिए रोटी है इसमें, रोटी और अचार। तो ये देखिए आप लोगों को दिखा दे, रोटी और अचार है इसमें। तो और चाय, रोटी अचार और चाय देते हैं सुबह का नाश्ता में मामा जी को खाने के लिए। और दोपहर में भी रोटी ही मिलता है, ज़्यादातर यहाँ रोटी बनती है, तो रोटी रोटी और सब्जी और लस्सी मिलता है। तो मैं आप लोगों को दिखा दी कि मेरे मामा जी को क्या मिलता है खाने के लिए। तो यही पास में ही काम कर रहे हैं आजकल, पास में ही काम पे लग गए हैं इसलिए घर आ जाते हैं। तो आज भी आए थे तो ये नाश्ता लेके आए थे, ये नाश्ता छोड़ गए और घर का जो खाना था वो खा के चले गए हैं, तो ये हम लोग खा लेंगे। तो चलिए बाकी हम लोग ये साग जल्दी से बना लेते हैं दोस्तों, लाल चौलाई का साग। देखो दोस्तों साग बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है, और इसमें मैं आलू डाली थी तो ये आलू भी देखिए लाल हो चुका है, और कैसा दिख रहा है। तो मेरा साग बन के भी रेडी हो चुका है, अब भैया भाभी का इंतजार करती हूँ कब तक आते हैं, कब तक नहीं। और बाबू भी अंदर सो गया है और भयंकर वाली गर्मी लग रही है, पूरी भयंकर वाली। तो चलिए आज का वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत ही गर्मी लग रही है भयंकर वाली। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।